आक्रोशित जो रैली है, ये आक्रोशित रैली इसलिए है कि इस राज्य में जो हेमंत जी की सरकार है, कांग्रेस आरजेडी और जेएमएम की जो गठबंधन की ये हेमंत जी की सरकार है, ये लगातार इस राज्य को ठगने छलने का काम कर रहे हैं। 2019 में विधानसभा चुनाव में इन्होंने लंबा लंबा घोषणा पत्र दिए थे कि हम इस राज्य को उसमें सुरक्षा देंगे, इस राज्य में को सम्मान देंगे, नौकरी नियोजन देंगे, नौकरी मतलब स्वास्थ्य देंगे, शिक्षा देंगे, पानी देंगे, मतलब जनहित में हम काम करेंगे। लेकिन आज देख रहे हैं लगभग 3 साल से ज़्यादा ये हेमंत जी की सरकार, जेएमएम की सरकार का समय हो रहा है, और ये 3 साल से ज़्यादा जो समय में आप देख रहे हैं हमारी राज्य की जो हमारी बेटी है, हमारी बहनें हैं, किस तरह से आज उनके साथ अत्याचार हो रहा है, किस तरह से हमारी बहन बेटी चाहे 6 साल की बच्ची से लेकर 60 साल की महिला तक, किस तरह से उसे बोलने में भी शर्म आता है, उसे रेप किया जाता है और उसे मार के फेंक दिया जाता है। साथ ही साथ हमारी महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है, जो हम अभी बार बार बोल रहे हैं कि हमारी रघुवर जी की सरकार में जो 1 रुपया में हमारी 50 लाख की महिलाओं के नाम से जमीन रजिस्ट्री होता था, उसको भी ये बंद कर दिए। आज ये रोजगार का नाम से कुछ नहीं हो रहा, युवा को ठगने का काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य के विषय में कहीं कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। आज जाइए विशेष करके मेरे विधानसभा में, आज जितने भी हॉस्पिटल्स हैं एक भी डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर की कमी है, ना दवाई है ना डॉक्टर है। चाहे आप शिक्षा का बोलिए, शिक्षा का वही बात है, स्वास्थ्य शिक्षा पानी का भी वही है। हमारे यहाँ 2-2 डैम है लेकिन पानी का लगातार हम लोग विधानसभा में क्वेश्चन उठाते हैं। बिजली का तो देख रहे हैं किस तरह से बिजली कटौती हो रहा है, लगातार जनता को जो अधिकार मिलना चाहिए वो कहीं नहीं मिल रहा। आप घर घर गांव में पंचायत में जाके अधिकार जनता का द्वार अधिकार कर रहे हैं, कैसा अधिकार कैसा द्वार कैसा मतलब सम्मान का बात कर रहे हैं। तो मिला जुला के ये सरकार जन विरोधी सरकार है। विधानसभा में देखिए 12 बिंदिया का पुल आप लोग देखे, इतना बड़ा संथाल और कोयलांचल को जोड़ने का जो 12 बिंदिया पुल है, जो कुछ दिन पहले नाव हादसा में जो 14 आदमी का मौत हो गया, और उसके बाद विधानसभा में लगातार हम प्रश्न किए, चाहे विधानसभा बाहर से लेके अंदर तक हम आंदोलन प्रदर्शन किए, लेकिन ये अंधी गूंगी बहरी सरकार न कान से सुनाई पड़ा, न आंख से देखे और न मुंह से कुछ बोल रहे हैं कि जल्द से जल्द ये पुल का हम निर्माण कराएंगे, ये पुल को हम बनवाएंगे, कुछ नहीं बोल रहे हैं। पांडा मोड़ में जो हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल है, वो भी नहीं चालू कर रहे हैं। लगातार विधानसभा क्वेश्चन हो, यहाँ हम डीसी साहब को बोल रहे हैं, हम लगातार हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार पता नहीं क्या है कि भाजपा का जहाँ विधायक है वहाँ हमको काम नहीं करना है। इन लोगों का स्पष्ट मन में मनसा हो गया है कि जहाँ भाजपा का विधायक है वहाँ हम कुछ नहीं काम करेंगे, ये दुर्भाग्य की बात है, यहाँ कुछ सुना नहीं जाता। विधानसभा में हम लोग जब अपना बात को रखते जनहित का बात रखते हैं, क्योंकि जनता हमें नेतृत्व चुन के भेजे हैं, विधायक बन चुन के भेजे हैं, तो कहीं ना कहीं जनता का जो मुद्दा है, विधानसभा का जो बात है, वो तो हम विधानसभा में रखेंगे, लेकिन कुछ सुना नहीं जाता है और किसी तरह से इस राज्य का जनता के विषय में किसी तरह से काम नहीं होगा, न विकास हो रहा है न और कुछ काम हो रहा है। इसके विरोध में आज हम लोग लगातार हम लोग 7 से 13 नवंबर तक हम लोग प्रत्येक इस राज्य में प्रत्येक प्रखंड में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और फिर हम लोग 19 से 23 तक फिर हम लोग जिला में प्रदर्शन करने जा रहे हैं और जिला मुख्यालय को हम लोग घेरने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।